हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल नरुला एंड फैमिली। तो आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का व्लॉग है अनबॉक्सिंग व्लॉग। तो क्या नाचो मैं? मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए होम फर्निश सेट। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये यूट्यूब फैमिली के लिए है? यस। ये आपके लिए है? सबके लिए है। सबके लिए है, ठीक है। यस, तो जो भी अनबॉक्सिंग व्लॉग होता है वो ही मायरा के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सारा सेटअप आपको करके दिखाएगी। सबसे पहले हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ओके। तो मैं मायरा की हेल्प करूंगी इसको ओपन करने में, क्योंकि मायरा ये सब यूज नहीं कर सकती है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले हम लिविंग रूम का सेटअप करें? हाँ करो। ओके। तो ये है टू सीटर सोफा। यहाँ पे लिविंग रूम बनाएंगे हम? यस। ओके। ये ब्लू कलर का सोफा है? यस। और ये है वन सीटर सोफा। यहाँ पे यूट्यूब फैमिली बैठेगी, साथ में स्मायरा बैठेगी। अच्छा। और ये है पर्पल कलर की चेयर, बहुत क्यूट है। इस पे स्मायरा के फ्रेंड्स बैठेंगे, है ना? यस। और क्या है? और ये है टेबल, इसकी लेग्स ओपन हो जाती हैं, रिमूव हो जाती है। ट्राई करें। यस। ओ स्मायरा तो एक मिनट में इसकी लेग निकाल दी। तो इस टेबल को हम कहाँ रखेंगे? सोफे के बीच में। हाँ, क्योंकि बैठ के चाय भी तो पीनी है ना। कॉफी भी तो पीनी है ना। हाँ। तो साथ में हम रखेंगे ये लैंप। ये लैंप भी रिमूव हो जाता है? वाओ। बस ये नहीं होता? अरे होता है ये भी, मैंने तो एक्सप्लोर ही नहीं किया था। इसको हम फिर से फिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम रख देंगे। ओके। तो ये है टीवी कैबिन, इसकी ड्रॉर्स जो है वो ओपन हो जाती हैं। इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं? टीवी के रिमोट्स, जो हमें टाइम पे मिलते नहीं है। अरे हाँ भाई हाँ। यस। इधर उधर हो जाते हैं, तो रिमोट इसके अंदर रख देंगे। यस। तो इसको हम ऐसे रखते, तो फिर टीवी कैसे देखेंगे? चलो फिर हम ऐसे रख देते हैं। हाँ ऐसे रख दो, ऐसे रख दो ना, अभी तो यूट्यूब फैमिली को दिखाएं ना। यस। बाद में हम उधर रख देंगे इसको। ओके। तो ये रहा हमारा क्यूट सा टीवी। ये एलईडी है, टीवी नहीं है। एलईडी है? हाँ। वाओ। ब्लू कलर की एलईडी है, अच्छी है ना। हैप्पी टुगेदर। ऐसे हमने रख दिया। और तो क्या आएगा लिविंग रूम में? अब हम क्या रख सकते हैं? बाकी तो मुझे लिविंग रूम के रिलेटेड कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें। यस। बेडरूम बनाओ। ओके, बेडरूम बनाते हैं हम यहाँ पर। हाँ ओके। हमारी मेन चीज बेडरूम की बेड। यस। ये बेड भी कितना क्यूट है ना, पिंक और पर्पल कलर का। इसके भी पार्ट से मुझे लगता है निकल सकते हैं, लेकिन हम ट्राई नहीं करना चाहेंगे। yes, ये टूट भी सकता है। yes. तो ये है कॉर्नर स्टैंड, इसकी भी ड्रॉर्स ओपन होती हैं। यहाँ पर हम इसको रख देंगे।
छोटा सा लैंप। ये बेडरूम के लिए है। तो ये है ड्रेसिंग टेबल मम्मा के लिए। आपके लिए नहीं है। मेरे लिए, मैं बाथरूम में ही रेडी हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है। बाथरूम में मिरर है आपके पास? देखेंगे। यहाँ पे तो मिरर है, देखो। और इसकी भी ड्रॉर्स है ना? यस। ओपन होती हैं। देखो लैंप टूट गया। नहीं टूटा, बच गया। ये देखो, इसके अंदर मम्मा लिपस्टिक्स रखेगी। लिपस्टिक तो यहाँ पर रखी हुई है, इसके अंदर ज्वेलरीज। ज्वेलरीज? Yes. और शमायरा की हेयर पिंस। यस। ओके, ये लो, इधर रख लो आप इस पे। ओके, तो अब हम बाथरूम का सेटअप करें। बेडरूम में बस इतना ही आएगा, तो खड़े होके रेडी होना है क्या? अरे हाँ, चेयर वेयर लगाओ ना, मैं तो थक जाऊंगी, इतना टाइम लगता है मुझे रेडी होने में। लड़की को तो लगता ही है टाइम। हाँ, तो ये है चेयर, ये ड्रेसिंग चेयर है, वो ड्रेसिंग टेबल था, तो आराम से हम इस पे बैठ के रेडी हो सकते हैं। ओके, तो अब हम बाथरूम का सेटअप करते हैं। ओके, तो ये है ब्लू कलर की कमोड, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। ये ओपन होती है नहीं? होती है। देखे, ओ नीचे से बंद नहीं है ये, देखो। चलो बंद कर देते हैं, इसकी टंकी भी है छोटी सी। यस। चलो, तो मम्मा आप कह रहे थे ना बाथरूम में मिरर है। यस है। हाँ, वॉश बेसन है, साथ में मिरर भी है, देखो स्मायरा ने सही बोला था। और यहाँ पर ब्रशेस का स्टिकर लगा हुआ है। ब्रश स्टैंड है ये। इसकी भी ड्रॉर्स हैं, एक ही है ना, इसकी तो अंदर पाइप होगी। हाँ, देखो पाइप है, जो टैप का पानी है वो नीचे जाएगा इस ड्रॉर में पाइप के थ्रू, और उसके बाद कहाँ जाएगा हमें पता नहीं है। तो इसको यहाँ रख देते हैं। और क्या है ये बाथटब? कितना क्यूट है ना स्मायरा, छोटा सा। यस, जब आप छोटे थे ना, हमने आपके लिए लिया था बाथटब, ग्रीन कलर का ना। लेकिन वो एयर वाला था, छोटा सा था ना, बहुत छोटा था। स्मायरा को याद है, स्मायरा ने फोटोज में देखा था, ऐसे तो क्या याद है। जब मैं छोटी थी ना, तब मैं नहा रही थी, मम्मा मेरे लिए टॉवल लेने गई थी, तो मैंने क्या किया, मग भरा पानी वाला और सिर पर डाल लिया। बहुत छोटी थी स्मायरा। यस। और क्या होता है बाथरूम में, टब में डाल दो किसी को, कोई नहा लेगा। यस। ये क्या है? देखो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, नहाने के लिए। यस। कब से इस पैकेट के अंदर बंद है, नहाए नहीं है बेचारे। डालो इसको टब में। पहले हम ये छोटू को डालेंगे। हाँ छोटू, चल अंदर, टैप ऑन करते हैं हम तेरे लिए। चल नहा ले आराम से, बैठ जाए एक घंटा। इसको सुला दे, ये नहाया हुआ है। हाँ। ये नहाया हुआ है, इसको सुला दे बेड पे। चल तू रेस्ट कर। ओके। तो अब हम किचन सेटअप। यस, किचन सेटअप। तो ये है किचन, यहाँ पर गैस है, और यहाँ पर है चिमनी, और ये है माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव है? यस। नहीं, फिर माइक्रोवेव नहीं है ये। फिर क्या है? ये बर्तन का स्टैंड है। अच्छा, इसके अंदर बर्तन रख सकते हैं। अच्छा, वो नीचे हमारे ड्रॉर्स होते हैं ना किचन में, जो हम ओपन करते हैं, स्पून निकालते हैं। ये देखो इसके ऊपर क्या बना हुआ है, स्पून, फोक, नाइफ। यस। और मम्मा ये क्या है, पाइप? हाँ ये पाइप डाल दी उन्होंने, लेकिन सिंक तो नहीं है ऊपर। मुझे लगता है ये सेक्शन है। ये बर्तन के लिए है, बंद करो। इसको हम यहाँ पर रख देंगे।
और ये है हमारा माइक्रोवेव। ये है माइक्रोवेव, जैसे खुलता है इसमें चिकन बन रहा है जो हम नहीं खाते हैं। इसको हम ऐसे रख देंगे। और ये है फ्रिज। फ्रिज देखते हैं इसमें कौन कौन सी आइसक्रीम का फ्लेवर है। देखो खाले खाली खाले खाली। और ये है फ्रूट और वेजिटेबल का बॉक्स। तो अब वॉशिंग एरिया में चलते हैं। नहीं, जब आप खाना बनाते हो उसके बाद आप हैंड वॉश करते हो ना, तो ये देखो वॉश बेसिन, वो तो इधर लगा दी ना अपने बाथरूम में। अच्छा, तो किचन में भी लगवा ले। चलो एक किचन में भी लगवा लेते हैं, इजी हो जाएगा, बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा ना। यस ओके। तो अब हम वॉशिंग एरिया में चलते हैं। ओके अरे मम्मा एक किचन छोटी है मेरी, किचन बहुत छोटी है, तुम्हारा काम नहीं होगा मुझसे, किचन और लगाओ ना एक। चलो ये लो स्लैब। यहाँ पे अब रोटी बनेगी, वो तो सिर्फ गैस के लिए था। यस ऐसा करो ना, इसको इधर लगाओ किचन को, एक साथ हो जाएंगे ना दोनों किचन। यस और यहाँ पे हम फ्रिज रख देते हैं। ओके तो अब यहाँ पर बनाएंगे हम वॉशिंग एरिया। वाओ कितनी क्यूट मशीन है वॉशिंग मशीन। यस इसका डोर भी ओपन होता है। ओपन होगा तभी कपड़े धोएंगे ना। यस ये इसके बटन्स हैं, बटन्स हैं। ये ओपन नहीं होती क्या? क्या ये मशीन? नहीं नहीं पंगा मत लो, पैसे लग जाएंगे रिपेयर करवाने में। यस चलो नहीं लेते पंगा, स्मायरा बोल रही है तो। वॉशिंग एरिया ये है पर। तो जैसे कि आप सबको पता है नॉर्थ का वेदर अलग है साउथ का वेदर अलग है, तो हम रहते हैं साउथ में। साउथ में आ गया है मॉनसून और नॉर्थ में आ गई है गर्मी। तो अब मम्मा छत पर नहीं जाते हैं कपड़े सुखाने, अगर छत पर जाएंगे तो बारिश हो जाती है तो मम्मा को भागना पड़ता है, इसीलिए ये है स्टैंड। हाँ बहुत सारे कपड़े ड्राई हो जाएंगे ना इस पे। यस सुमायरा की एक ड्रेस भी नहीं आएगी इस पे। तो मम्मा आप एक काम करना, आप ना हैंगर पर कपड़े डाल देना। दो ही हैंगर हैं? यस। तो आपकी दो ड्रेसेस सुखाई, वो पूरी तरह से सूखी, फिर हमने अपने कपड़े सुखाए है ना। यस तो दो दिन लग जाएंगे आधे दिन के कपड़ों में। चलो लगा दो हैंगर। छोटे छोटे हैंगर्स। और क्या है? तो ये है वेइंग मशीन, इसमें मायरा अपना वेट चेक कर सकती है कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। है ना, मायरा को लगता है कि मायरा बहुत मोटी है तो अब डेली वेट चेक कर सकती है, इसको तसल्ली रहेगी कि नहीं मैं मोटी नहीं हुई हूँ। यस है ना। इसको कहाँ रखेंगे, कौन से एरिया में? यहाँ पर रख देते हैं किचन के पास। तो जैसे कि आपने हमारा व्लॉग देखा गेस द फूड चैलेंज, स्मायरा और स्मायरा के पापा कुछ डिशेस गेस नहीं कर पाए थे, तो हमने आपसे पूछा था कि आप कमेंट्स करो अगर आपको पता है तो। मुझे 200 प्लस कमेंट्स उस वीडियो में मिले, लेकिन मैं सबके नाम तो नहीं बोल पाऊंगी, जो जो मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गए हैं तो मैं उनके नाम बोलना चाहूंगी। एक है सानू अंसारी, उन्होंने लिखा है इट्स हॉट डॉग, इट्स करेक्ट। और तमन्ना हॉट डॉग करेक्ट, अंशिका हॉट डॉग करेक्ट, हॉट डॉग के बहुत आंसर्स आए हैं बहुत ज्यादा। रिद्धित सरकार, उन्होंने लिखा है पिज्जा हट। और एक पर्सन ऐसा है जिन्होंने तीनों के तीनों आंसर्स मुझे करेक्ट दिए हैं, उनका नाम मैं अभी आपको बताती हूँ, नूरदीप सिद्धू, उन्होंने लिखा है पहला है हॉट डॉग, दूसरा पीनट बटर और तीसरा पिज्जा हट। तो थैंक यू सो मच तीनों के तीनों आंसर सही देने के लिए। और एक नाम मेरे पास और है स्पेशल, वो है स्वर्णलता,
इन्होंने 15 के 15 आंसर हमें दिए हैं। देखो कितना प्यार आप लोग हमें करते हैं, हमारी वीडियोस को कितना ध्यान से आप देखते हैं कि 15 के 15 आंसर इसमें लिखे हैं, लेकिन पिज्जा हट की जगह पे आपने लिख दिया पिज्जा हाउस। फिर भी ठीक है, आप गेस कर पाए, दैट्स इनफ फॉर अस। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। ऐसे ही आप वीडियोस पे ढेर सारे कमेंट्स करते रहना, हम आपका नाम बोलते रहेंगे। तो ये है मेरा होम फर्निश सेट, ये है किचन, ये है वॉशिंग एरिया, ये है वेइंग मशीन, ये है ड्राइंग रूम, ये है बेडरूम और ये है बाथरूम। तो कैसा लगा आप सबको मेरा ये फर्निश सेट? अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।